हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर पे। आज हम बात करने वाले हैं जीन बोद्रियाद के बारे में, जो कि फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं और साथ ही साथ कल्चरल थियोरिस्ट हैं। ये कंटेम्प्रेरी टाइम के बहुत ही फेमस हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि इनके व्यूज़ पोस्ट मॉडर्निज्म पर कैसे थे और साथ ही साथ सिमुलेशन, सिमुलेक्रा और हाइपर रियलिटी क्या है। इनके द्वारा लिखी गई बुक सिमुलेशन और सिमुलेक्रा पर काफ़ी फेमस है। तो आइए बात करते हैं जीन बोद्रियाद के बारे में कि इनके व्यूज़ पोस्ट मॉडर्निज्म पर कैसे थे, ये पोस्ट मॉडर्निज्म को कैसे डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ सिमुलेक्रा, सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी का क्या रोल है। सो जीन बोद्रियाद क्लेम्स दैट कंटेम्प्रेरी कल्चर इज पोस्ट मॉडर्न विच इज़ फुल ऑफ प्लुरेलिटी, डाइवर्जन, इंटेंस फ्रेगमेंटेशन एंड इनडायरेक्शन। तो इनके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट कल्चर है वो पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम है और ये फुल ऑफ डाइवर्जन, फ्रेगमेंटेशन और इनडायरेक्शन पर बेस्ड है। सो जीन बोद्रियाद हैज़ बिन कॉल्ड द हाई प्रीस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। He claims that our current society has replaced all reality and meaning with symbols and signs, that human experience is a simulation of reality. तो ये कहते हैं कि हमारी प्रेजेंट सोसाइटी जो है उसने रियलिटी और मीनिंग को रिप्लेस कर दिया है सिंबल और साइंस से, यानी कि रियलिटी रिप्लेस हो गई है और इसे बोला गया है सिम्यूलेशन ऑफ रियलिटी। अब ये सिमुलेशन और सिमुलेक्रा क्या है वो हम बताएंगे अभी। सो इन बोद्रियाद सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशंस फ्रॉम 1981 ही इंटरोगेट्स द रिलेशन अमंग रियलिटी, सिंबल्स एंड सोसाइटी। सिमुलेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ इमिटेशन है और सिमुलेक्रा है वो एक कॉपी है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जा सकता है एंड एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ सिम्यूलेक्रम इज कैरिकेचर। जैसे कि कोई आर्टिस्ट कोई ड्राइंग बनाता है तो वो जिस तरीके से उसके फेशियल फीचर्स बनाता है या फिर वो जिस तरीके से ड्रॉ करता है एक रियल पर्सन को, तो जिस टाइम पर वो ड्रॉ कर रहा है उस टाइम पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब वो ड्रॉ कर रहा है किसी इंसान के रियल इमेज को, जब वो ड्रॉ कर रहा है, जब वो प्रोसेस चल रहा है, तो वो है सिम्यूलेशन। और जब वो इमेज बन गई उसको हम पहचान सकते बिल्कुल रियल की कॉपी है वो, तो वो सिमुलेक्रा। यानी कि जब हम वो पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो प्रोसेस है इमिटेशन का, क्योंकि हम रियल को देखकर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सिमुलेशन हो गया। लेकिन जब वो पिक्चर पूरी तरह बनकर हाथ में आ गई, उसकी कॉपी बन गई, तो उसे बोला गया है सिमुलेक्रा। सो मेन पॉइंट इज सिमुलेक्रा और सिमुलेशन के थ्रू बोद्रियाद कैसे साइन और सिंबल से रिलेट करते हैं आज की सोसाइटी को। सो बोद्रियाद के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि सोसाइटी ये सारे सिम्यूलेक्रा से फील्ड है, कि पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज़ रियल है या सिम्यूलेक्रा है, कॉपी है। प्रिसेशन ऑफ सिम्यूलेक्रा, इन्होंने इसे फोर स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज को बोला गया है कि फेथफुल इमेज और कॉपी, and second stage is unfaithful copy and evil appearance of reality. Signs and images do not faithfully reveal reality to us but can hint at the existence of an obscure reality. तो ये जो first stage है faithful image और copy, इसके लिए हम example देख सकते हैं कि जैसे कोई भी branded dress मान लीजिए बनी हो, तो जो उसकी first copy है वो सबसे पहले बनेगी, उसके बाद उसकी 100, 150, 200, 300 वो रियल ब्रांडेड बनती जा रही है। ये तो है फर्स्ट स्टेज, जो कि है फेथफुल इमेज और कॉपी, जिसमें फेथफुलनेस है, यानी कि रियल में जो बनाई गई हैं उसी वही की वही ब्रांडेड चीज़ उसी की कॉपीज बनती गई, तो वो तो है फेथफुल इमेज, फर्स्ट स्टेज। अब है सेकेंड स्टेज जो है अनफेथफुल कॉपी एंड इविल अपीयरेंस ऑफ रियलिटी। अब वो कैसे, जब वही ब्रांडेड ड्रेस मार्केट में आ गई तो उसी ब्रांडेड ड्रेस की कॉपी आ गई, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी बनने लगी जो ब्रांडेड नहीं थी लेकिन ब्रांडेड जैसी बनने लगी। जैसा कि मार्केट में अभी भी देखने को मिलता है कि ब्रांडेड चीज़ों की बहुत सारी कॉपीज़ अवेलेबल होती हैं। तो जो फेथफुल स्टेज थी उसमें तो
उसी के पीसेस बने ऐसा कह सकते हैं, जो एक पीस बना ब्रांडेड ड्रेस बना। लेकिन सेकंड स्टेज पर आकर हम कह सकते हैं कि जब वो ब्रांडेड चीज़ों की कॉपी दी जाती है और उसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी असली है और कौन सी कॉपीड है। थर्ड स्टेज है एब्सेंस ऑफ प्रोफाउंड रियलिटी, यानी कि अब पहचानना मुश्किल है कि सिम्यूलेक्रा कौन सा है और ओरिजिनल कॉपी कौन सी है। जैसे कि जब वो पिक्चर बना रहे थे, पिक्चर हाथ में आ गई तो वो रियल, एकदम रियल पिक्चर हाथ में आई। इसी तरह से जो ये थर्ड स्टेज है, यहाँ पर है एब्सेंस ऑफ प्रोफाउंड रियलिटी, कि अब पहचानना मुश्किल है कि कौन सी रियल में ब्रांडेड है और कौन सी उस ब्रांड की कॉपी की गई है। एंड फोर्थ स्टेज है हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी के लिए हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट, जहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, रियलिटी को बढ़ा कर दिखाया जाता है, जैसा रियल में है वैसा नहीं दिखाया जाता बल्कि उसको एग्जेजरेट किया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट में कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। सो ही डिफाइंड पोस्ट मॉडर्निटी एंड लेट कैपिटलिज्म, वेयर द सिम्यूलेक्रम प्रिसीड्स द ओरिजिनल एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन वैनिशेस। तो ये उस पोस्ट मॉडर्निटी की बात करते हैं और लेट कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जहाँ पर सिम्यूलेक्रम प्रिसीड किया जाता है और रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन और ओरिजिनलिटी को वैनिश कर दिया गया है और सिम्यूलेक्रम ही है। तो इनका कहना है कि देयर इज ओनली सिम्यूलेक्रम एंड ओरिजिनलिटी बिकम्स अ टोटली मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट। तो इनका कहना है कि यहाँ सारा का सारा आज के टाइम में जो पोस्ट मॉडर्निटी का टाइम है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिम्यूलेक्रम है और ओरिजिनलिटी जो है वो टोटली मीनिंगलेस कंसेप्ट बन चुका है। जीन बोड्रियार्ड कहते हैं कि सिम्यूलेक्रा और रियलिटी के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। कंटेम्प्रेरी मीडिया, टीवी, फिल्म, प्रिंट एंड इंटरनेट रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जो रियलिटी और सिम्यूलेक्रा के बीच लाइन को ब्लर कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, लोगोस, पैथोस और ईथोस का इस्तेमाल करके हमारी थिंकिंग को चेंज कर दिया जाता है और हम उस चीज़ को अपनी ज़रूरत समझकर ख़रीद लेते हैं। लोगोस, पैथोस और ईथोस पर एक वीडियो बनी हुई है जो कि मेथड्स ऑफ पर्सुएशन है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, हमारे चैनल पर सर्च करके मेथड्स ऑफ पर्सुएशन के नाम से वो अवेलेबल है। सो अभी हम बात कर रहे थे कि एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टीजमेंट जो है इस तरीके से दिखाई जाती है लोगोस, पैथोस और ईथोस का इस्तेमाल करके कि हमारी थिंकिंग को ही चेंज कर दिया जाता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है और हम उसे ख़रीद लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एक्सचेंज वैल्यू की, ये बेस्ड है मनी पे रादर देन यूजफुलनेस। स्टेटस मेंटेन करने के लिए महंगी चीज़ें खरीदी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक वॉच 100 रुपये की आती है तो वही वॉच 10,000 की भी आती है। अब उस 10,000 की वॉच की क्या ज़रूरत, टाइम तो वो भी बताती है, बट बिकॉज ऑफ स्टेटस, इसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। आज हमारे सामने कॉपीड चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो रियल है, इससे तो हम सब वाकिफ हैं ही, बट साथ ही साथ मीडिया और एडवर्टीजमेंट के द्वारा हमारी ज़रूरत को भी चेंज कर दिया जाता है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या सच में हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या फिर उसे हमने अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए ख़रीदा है। कुछ बेकार चीज़ों की एड्स जैसे कि तंबाकू, गुटखा या सुपारी की एड भी इस तरीके से दिखाई जाती है जैसे कि उसको खाने से स्टेटस मेंटेन होगा। सो हाइपर रियलिटी अलाउज मिंगलिंग द फिजिकल रियलिटी विद वर्चुअल रियलिटी। अकॉर्डिंग टू बोड्रियार्ड, नीदर रिप्रेजेंटेशन नोर रियल एग्जिस्ट, इंस्टेड देयर इज ओनली हाइपर रियल दैट एग्जिस्ट फॉर एवर। सो इनके अकॉर्डिंग रियलिटी कहीं है ही नहीं, हाइपर रियलिटी है या फिर सिम्यूलेक्रा प्रेजेंट किया गया है, और जो इनका प्रोसेस है वो तो है ही सिम्यूलेशन। सो हाइपर रियल इज मोर रियल देन रियल, something fake and artificial comes to be more definitive of the real and reality itself. For example, fashion terms which is more beautiful than beauty. Other one is we can say Disneyland, another example of hyper reality.
बिकॉज डिज्नीलैंड विद इट्स सिटिंग सच एज मेन स्ट्रीट एंड फुल साइज हाउसेज हैज़ बीन क्रिएटेड टू लुक एब्सोल्यूटली रियलिस्टिक टेकिंग विजिटर्स इमेजिनेशन टू फैंटेस्टिक पास्ट. तो डिज्नीलैंड भी हम एक अदर एग्जाम्पल मान सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है वो एक फैंटेस्टिक पास्ट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है और वो रियल लगता है, एक रियलिस्टिक इमेज है हमारे सामने. स्पीच ऑफ पॉलिटिकल कैंडिडेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. सिंपल शब्दों में हाइपरबोलिक और एग्जेजरेट स्टाइल को हाइपर रियलिटी कह सकते हैं. सो ही सेड दैट पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड बाय मास मीडिया. तो इनके अकॉर्डिंग जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मास मीडिया के द्वारा प्रेजेंट किया गया है और उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है. जैसे कि अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारी थिंकिंग को चेंज कर दिया जाता है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसकी ज़रूरत हमें महसूस करवाई जाती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लेकिन स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो चीज़ें खरीदी जाती हैं. तो द कल्चर ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन सिम्युलेशन, सिम्युलेक्रा और हाइपर रियलिटी. तो जो ये कल्चर है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी का, वो बेस्ड है सिम्युलेशन पे, सिम्युलेक्रा पे और हाइपर रियलिटी पे, जो कि हमने अभी अभी बताया कि सिम्युलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, और सिम्युलेक्रा क्या है, उस चीज़ की कॉपी जब हमारे हाथ में आ जाती है. एग्जाम्पल हमने अभी पिक्चर का भी दिया कि अगर हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो ड्रॉ करने का प्रोसेस है, वो सिम्युलेशन है. जब वो ड्रॉ कर कर हमारे हाथ में आ जाती है वो पिक्चर, वो कॉपी हो गया, वो सिम्युलेक्रा हो गया. और हाइपर रियलिटी जब रियलिटी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जैसे कि डिज्नीलैंड या फिर किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट की स्पीच हो गई या फिर एडवर्टीजमेंट हो गई. पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज़ अ कंज्यूमर सोसाइटी. ऐसा किस लिए कहा गया है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए खरीदी जाती हैं, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत महसूस करवाई जाती है. तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है वो कंज्यूमर सोसाइटी हो गई. इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी द कंज्यूमर डिस्प्लेज व्हाट ही बायस इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट हिमसेल्फ सोशली. अगेन द सेम थिंग कि वही पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में लोग अपने आप को स्टेटस मेंटेन करने के लिए और सोशली अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए उस चीज़ को खरीदते हैं. सो ये है सिम्युलेक्रा, सिम्युलेशन और हाइपर रियलिटी की डिटेल्स. लाइक सिम्युलेक्रा कॉपी, वो चीज़ जब कॉपी हमारे हाथ में आ जाती है, सिम्युलेशन वो प्रोसेस, और हाइपर रियलिटी जिसमें रियलिटी को बढ़ा चढ़ाकर एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है. इसके अलावा हमने पढ़ी फोर स्टेजेस. ये फोर स्टेजेस हैं सिम्युलेक्रा की, जिसमें फर्स्ट स्टेज है वो फेथफुल इमेज और कॉपी होती है, यानी कि बिल्कुल ब्रांडेड चीज़. जब उसकी 100, 150, 200, 300 उसके पीसेस बनते जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, तो वो तो फेथफुल इमेज हो गई. इसके अलावा सेकेंड स्टेज जो है वो अनफेथफुल कॉपी है, इविल अपियरेंस ऑफ रियलिटी है. अब यहाँ पर पहचान पाना धीरे धीरे मुश्किल होता गया कि रियल इमेज कौन सी है, रियलिटी क्या है. थर्ड स्टेज है अब तो बिल्कुल पहचानना, यानी कि ये सिम्युलेक्रम है, जब हमारे सामने एब्सेंस है प्रोफाउंड रियलिटी की. इसके अलावा जो फोर्थ स्टेज है वो हाइपर रियलिटी है, यानी रियलिटी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है. हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उस चीज़ को हमारी ज़रूरत बताकर दिखाया जाता है स्टेटस मेंटेन करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिम्युलेक्रा, सिम्युलेक्रम एंड हाइपर रियलिटी. और साथ ही साथ हमने जाना इनके व्यूज़ पोस्ट मॉडर्निज्म पर, जो कि थे कि सोसाइटी जो है वो कम्युनिकेशन पर बेस्ड है, जो कि मास मीडिया चला रही है. इसके अलावा सिम्युलेशन, सिम्युलेक्रा और हाइपर रियलिटी के बारे में जाना, और साथ ही साथ ये कंज्यूमर सोसाइटी कैसे हैं, क्योंकि कंज्यूमर डिस्प्लेस करते हैं कि उन्होंने क्या ख़रीदा अपने आप को सोशली डिफ्रेंशिएट करने के लिए. सो दैट्स इट. अगर आपने कुछ वीडियो से सीखा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.